हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी काइंड एंड ट्विंस मॉम आर्या के चैनल में स्वागत है। और आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं पहन ली हूँ ब्लैक और यहाँ पे श्रियांश भी बातिंग कर लिया है। ये मेरा खराब हो रहा है लाइट में। अरे ऐसा नहीं होता। और बस अभी सुबह का टाइम है, काफी सनी मॉर्निंग है और यहाँ पे देखिए मेरा प्लांट। अभी इसमें पानी डालना है, आज मैंने अभी पानी डाला नहीं है। तो चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से गप्पे सप्पे करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी, बस थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ अपने टेंपल का, वीडियो क्लिप शूट कर ली हूँ पूजा करने के बाद, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे पूजा करना था, मैंने पूजा कर लिया था। तो बस और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सत्तू की शरबत, या सत्तू वाले शरबत में बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सोचा चलो आज सुबह सुबह यही ले देते हैं और सैटरडे को सत्तू भी खाना चाहिए। तो बहुत दिन से मन भी कर रहा था, तो बस मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। तो इसमें मैंने प्याज कट करके डाल लिया है, अभी लेमन स्क्वीज करके डाल ले रही हूँ, और फिर इसमें ज़रा सा जाएगा काला मिर्च, और काला नमक और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा चाट मसाला, और इससे काफ़ी चटपटा बन जाएगा ये और पीने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और बहुत दिन बाद, ऑनेस्टली मैं ऐसे बहुत दिन बाद बना रही हूँ, शायद मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैं कब सत्तू का शरबत बनाई थी। बस अचानक से मन किया तो चलो मैंने बना लिया। तो बस ये मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ले लेंगे, बच्चों को हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर शरबत हमारी रेडी हो गई है, बस यहाँ पे हमारा सत्तू रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग सत्तू पियेंगे, और बाहर कुछ काम चल रहा है इस वजह से पानी नहीं गिराना है सिंक या बाथरूम कहीं भी। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाद मैं लंच बनाऊंगी, बच्चे भी फ्रूट्स खा लिए, उन लोगों को मिल्क वगैरह मैं दे दूंगी। तो चलिए सत्तू का मजा ले लेते हैं और काफी टेस्टी बना है। बैठ के थोड़ी देर टीवी देखने लगे थे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, और अभी मैं लंच बना लेती हूँ। थोड़ा सा लंच बनाने में लेट हो गया है, मतलब अभी एक बजने जा रहे हैं। मैं अभी तक लंच का कुछ भी तैयारी नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलोनी में जो भी है ना, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चलता ही रह रहा है। तो कुछ लोगों का पाइपिंग का काम चल रहा था, वाटर पाइपिंग जो बाहर से आता है, तो पानी वगैरह नहीं गिराना था, इस वजह से मैं अभी कुकिंग नहीं कर रही थी। पहले से लोगों ने बताया नहीं था, सडनली आके बताया, नहीं तो पहले से मैं कुछ तैयारी करके रख लेती। तो चलिए अभी कुकिंग कर लेते हैं, शायद मैं अभी देख के आई तो शायद इधर का काम खत्म हो गया है, और बच्चे भी हमारे साथ बैठ के टीवी देख, जो कि टेबल और चेयर पे बैठी हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। यहाँ से विंडो का लाइट बहुत अच्छा आता है, लेकिन बाहर से आवाज़ भी बहुत आती है। यहाँ से जस्ट पास में रोड है और ये ड्रिलिंग का आवाज़ आ रहा है पूरे दिन ना, ऐसी आवाज़ से ना बहुत इरिटेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन देखते हैं कब तक ये सब काम चलता है। और फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को ज़्यादा से भी पसंद आती हो तो थोड़ा बहुत लाइक कर दिया कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बस थोड़ा सा बढ़ जाता है और मुझे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का मन करता है। तो देखते हैं कब तक बच्चों का स्कूल ओपन होता है, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होते हैं। ऐसे तो आज सैटरडे है, लेकिन आज सेकंड सैटरडे तो उन लोगों का क्लास नहीं था, तो थोड़ा सा रिलैक्स था। बट आज होमवर्क वगैरह अपलोड करना है, उन लोगों का जो भी इनकम्प्लीट होमवर्क है वो सब करा के, तो वो सब भी करानी है। तो चलिए फटाफट कुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। लेके आनी है जो कि झोले में पड़ी हुई है, अभी मैं फ्रिज में नहीं रखी हूँ, क्योंकि मुझे आज फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है, बहुत टाइम हो गया क्लीन नहीं किया फ्रिज। और तो जल्दी जल्दी मैं कुकिंग कर लेती हूँ खाना वाना खाने के बाद, फिर मैं फ्रिज क्लीन करूँगी, उसके बाद सारी सब। तो बस यहाँ पे मैं दाल बना ले रही हूँ, तो बस प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, और ये देखिए कितने सारे छींटे आ गए हैं ऑयल के पूरे गैस स्टोव पे। और फिर मैं जीरा नहीं डाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ग्रॉसरी का सामान निकाला ही नहीं है। तो बस हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सब डाल के मैं बस फ्राई कर दे रही हूँ, और उसके बाद फिर साथ ही मैं इसमें नमक हल्दी डाल के और दाल डाल के, और बस मैं इसे दाल बना लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे फ्राई करने का टेंशन नहीं रहेगा। ऐसे साथ में फ्राई कर लो ना तो बाद में आलसी हो जाती है कभी कभी, नहीं फ्राई करने का मन करता है। और बस यहाँ पे मैं सब्जियाँ कट कर ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिक्स वेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ लेके आ गई हूँ और सारी सब्जियों को बस मैं कट कर ले रही हूँ। और सारी सब्जियाँ था तो मैंने सोचा कि चलो आज मिक्स वेज ही बना देते हैं, और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है मिक्स वेज, वो तो सब पसंद होता है।
तो बस यहाँ पे हरी शिमला मिर्च थी, लाल वाली भी थी, बट मैं लाल वाली नहीं कट कर रही हूँ, बस पीली वाली रखी थी। पीली वाली मैं पहले भी यूज़ कर चुकी थी, इस वजह से थोड़ा सा कटा हुआ है, और बाकी का मैं रख दी थी, तो सारे मैं कट कर ले रही हूँ। और गोभी था, बीन्स, और ये गाजर, गाजर मैंने कट करके ना डब्बे में मैं छिल के रख ली थी धो के, तो ये भी काफ़ी फ्रेश फ्रेश है, तो बस मैं ये भी डाल रही हूँ। और ये लाल वाली गाजर है, तो काफ़ी मल्टी कलर हो गया था सब्ज़ी, बिल्कुल हर कलर का दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बस कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल गरम हो गई है, फिर मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ। फाइनली मुझे जाके जीरा का पैकेट निकाल के लाना पड़ा सब्ज़ी में डालने के लिए। और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो कि मैं ऑयल में डाल दे रही हूँ, और ऑयल में मैं ये हल्दी डाल दी हूँ जिससे ऑयल के छींटे बहुत कम आएंगे, और देखिए सचमुच बहुत कम आया। और गोभी को डाल दे रही हूँ मैं, क्योंकि गोभी थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेंगे, और फिर मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ, क्योंकि ज़रा सा गोभी फ्राई हो गया है, फिर मैं इसमें आलू डाली हूँ। और जैसे ही आलू थोड़ी सी भुन जाएगी फिर मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, और प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगी तो बाकी जितनी मैं हरी सब्ज़ी कट करके रखी हूँ वो सारे मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, तो मैं सारी सब्ज़ियाँ डाल दे रही हूँ जो भी मैं कट करके रखी थी हरी सब्ज़ियाँ। और यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, फिर मैं मसाले डाल ले रही हूँ। तो ये सारे रेगुलर मसाले हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर नहीं, इसमें लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। और अभी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ जो कि मार्केट वाली है, और अभी इसमें मैं टमाटर डाल दी, और इसके साथ ही मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, और फिर थोड़ा सा इसमें मैं लहसुन क्रश करके डाल दे रही हूँ जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और फिर सारी सब्जियों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को, और फिर मसाले पकने तक इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे। और मैं साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दी हूँ, और इसके बाद फिर सब्जियों को हम लोग ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और यहाँ पे सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, सब्जी यहाँ बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने गैस को बंद कर दिया है, और अभी बच्चों का मैं खाना निकाल के रख दी हूँ, उन लोगों को दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, वो लोग टीवी देख रहे हैं। और यहाँ मैं हम दोनों के लिए प्लेट लगा ले रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उधर बच्चे भी खा रहे हैं तो साथ साथ इधर हम लोग भी खा लेंगे। तो बस सब्जी बहुत यम्मी बनी हुई है, देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहा है, और दाल चावल और बस कटी हुई प्याज, यही हमारा आज का लंच है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ का खाना आ गया है, ये देखिए। और अभी हम लोग कमरे में बैठे हैं क्योंकि हॉल में बच्चे खा रहे हैं, वो लोग टीवी देखते हुए खा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग रूम में बैठे खा लेते हैं। और यहाँ देखिए मोबाइल में हम लोग जो टीवी में देख रहे थे बच्चे देखने नहीं दिए, वो लोग इतना परेशान करते हैं ना कि हम लोग टीवी देख ही नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो खाते खाते थोड़ा बहुत टीवी मोबाइल पे देख लेंगे, और फिर जब बच्चे सो जाएंगे रात में तो मैं भी टीवी पे देखें या फिर देखते हैं। लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से। और सुबह में भी मॉपिंग और डस्टिंग करने के बावजूद भी शाम तक घर का हाल बहुत बुरा हो जाता है, तो बस मैं वही थोड़ा बहुत झाड़ू कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है तो और कुछ ना कुछ वो लोग खेलते रहते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, और झाड़ू करने जाओ तो डस्ट निकल ही आता है, तो बस मैं शाम के टाइम में थोड़ा सा झाड़ू कर ले रही हूँ। ये तो हर रोज़ ही करती हूँ मैं, लेकिन मैंने आज सोचा चलो आज मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ, और पति दीदी को बैठ के सुबह पे वो खा रहे हैं, और बच्चे बैठे हुए हैं क्योंकि मैं डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू कर रही हूँ इसलिए, और नहीं तो वो लोग बस खेलते रहते, कूदते रहते हैं या फिर साइकिल चलाते रहते हैं। तो ये देखिए देखते देखते कितना डस्ट निकल आया, और अभी मैं किचन में भी झाड़ू कर लूँगी, किचन तो हो ही जाता है गंदा क्योंकि लंच बनाने के टाइम पे ना किचन थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं किचन झाड़ू नहीं की थी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में शाम की चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पे इतना सारा दूध का पैकेट लेके आ गई हूँ, तो खीर भी बनानी है मुझे, मैं आज खीर बनाऊँगी, और दूध बॉयल करना है बच्चों को देने के लिए, और हम लोग ले चाय। तो चलिए फटाफट दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और चाय भी रख देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ
कॉफी दे दूंगी। चलो पहले मिल्क गरम कर लूं। हाँ बच्चे स्टडी कर रहे हैं, शाम हो गई है और दोनों का अभी मैं टेबल पास में कर दी हूँ। ये देखिए पहले मैं अलग अलग रखी थी लेकिन अभी दोनों का साथ में है और दोनों साथ में पढ़ भी रहे। ऐसे दोनों एक जगह बैठ ही नहीं रहे थे, बार बार श्रेयांश जा रहा था शिवांगी के पास तो गु कर करके। हाँ वेरी नाइस। मेरा हैंडराइटिंग कैसा है? बहुत अच्छा है। व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ 6 राइट? वेरी नाइस। राइट डाउन। और ये और देखिए मामा श्रेयांश का भी बहुत अच्छा। सी कर्व देन बेंड। श्रेयांश राइट वेल बेटा, मेक अ गुड हैंडराइटिंग। हां वेरी नाइस। टू हैव 3 एंड 1 हैव 3। चलो अपना स्टडी स्टार्ट कर दिए। स्मॉल और कैपिटल व्हाई आर यू कैपिटल? पहले अलग अलग में रखी थी दोनों का टेबल तो यहाँ से बार बार श्रेयांश उठ के सुगु के पास आता था, सुगु तो मैंने सोचा चलो दोनों का एक जगह ही कर देती हूँ, बट वहाँ पे मैं एडजस्ट की तो दोनों का पास में आ गया। ऐसे मुझे लग रहा था कि पहले अलमीरा को टच कर देगा बट ऐसा नहीं है, अभी साइड में हो गया है तो दोनों बस साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, चलिए मैं चाय ले लेती हूँ। और चाय लेने के बाद फिर मुझे ग्रॉसरी सबकी जगह मीन्स जो जहाँ ग्रॉसरी में रखती हूँ वहाँ रख दूँगी और जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है बस यहाँ अंदर बॉक्स में रखूँगी और जो डब्बे में भरने हैं वो सब मैं डब्बे में डाल दूँगी। ऐसे कमी है बस मसाले वगैरह जो कि मुझे भरना है। हाँ और मसाले का जो मसालेदानी मैं यूज़ करती हूँ उसका भी मैं खाली करके रखी हूँ, वो भी वॉश करना है तब उसमें मसाले में। वाली मैं चावल भी वॉश करके रख ली हूँ। दूध मैंने इधर रख दिया हुआ है और खीर के लिए यहाँ पे। और अभी मैं बस चाय बना ली हूँ, चाय छान लूँ, चाय पी लेते हैं। है ये सारी मंथली ग्रॉसरी जो कि ऑनलाइन हम लोगों ने मंगाया था तो दो दिनों से बालकनी में पड़ा हुआ है। अभी यहाँ जब से हस्बैंड जी का कोविड पॉजिटिव आया तब से कुछ ज़्यादा ही मीन्स पहले जैसा उनका आदत हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव होना ये। और वहाँ बच्चे उधर रूम में स्टडी कर रहे हैं तब तक मैं ये सब समेट लेती हूँ। और बीच बीच में मैं भी उन लोग के अभी पास ही थी, बस अभी आई तो मैंने सोचा चलो ग्रॉसरी भी रख लेती हूँ। और मैं देखी भी नहीं हूँ कि अभी क्या क्या सामान है। जब ऑर्डर मीन्स डिलीवरी आया था तो पति देव ने ही लिया था, उन्होंने ही लिया था और बकेट में डाल के और बालकनी में रख दिया। ये टैंग पीने वाली, बहुत मन बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा पीते थे। अभी इधर मैं कुछ टाइम से यूज नहीं कर रही थी बट इस बार मैंने मंगाया है। हम लोग दूसरे ऐप से मंगाए थे, ये हम लोग इंस्टाकार्ट से मंगाए थे और ये सारा फ्लिपकार्ट का है। तो इसमें मसाले वगैरह हैं जो भी जो मंथली ग्रॉसरी का होता है ना। तबियत खराब की वजह से इस बार हम लोग को सामान बुक करने में भी लेट हो गया था, ऐसे ज्यादा सामान इस बार मंगाना नहीं था, बस यही जो सारे सामान है बस यही है। मखाने किचन में रख देती हूँ, जो ये महीने में बस दो बॉटल मस्टर्ड ऑयल का लग जाता है हम लोगों का, तो मैं दो बॉटल मस्टर्ड ऑयल मंगाती हूँ और एक रिफाइंड चल जाता है प्रीफर करती हूँ क्योंकि सब्जियाँ मुझे इसी की अच्छी लगती हैं। और ये बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह यही सब है ज़्यादातर। तो चलिए तो वैसे यहाँ पे दूध में बॉयल आ गई है, ये कब से बॉयल हो रही थी, मैं थोड़ा देर तक मैं इसे बॉयल कर रही थी और चावल धो के मैंने पहले से रख लिया था तो बस मैं इसमें चावल डाल दी हूँ और बस चावल को अच्छे से दूध में मिक्स कर ले रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा बे लीफ्स डाल दे रही हूँ, तेज़पत्ता, इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और इसके साथ ही मैं इसमें इलायची डाल दे रही हूँ थोड़ा सा क्रश करके, एक ही इलायची डाला था, बड़ी सी इलायची थी और ज़्यादा नहीं है इस वजह से ज़्यादा नहीं डाला।
अभी खीर बन गया है और सब्जी जो मैं दोपहर में बनाई थी वो है, और मुझे बस आटा गूंथ के रोटी लगाना है। तो जा रही हूँ मैं आटे गूंथ लेने और आटा गूंथ के बस रोटी लगाना है। और ये पता नहीं फेस पे मेरे क्या दाने दाने से आ रहे हैं, रेड रेड सा, अजीब सा, थोड़ा सा ड्राइनेस और इचिंग सा हो रहा है। तो देखते हैं कल कुछ फेस के लिए करना पड़ेगा। कैसे अभी खाना पीना तो सब कुछ हो गया। अभी हम लोग बस जो दिन में देख रहे थे वही बैठ के कम्प्लीट कर रहे थे, देखने लगी थी मैं। और यहाँ देखिए अभी तक श्रेयांश जगा हुआ है, ये सोया नहीं है। सुगु कब का सो गई क्योंकि ये दिन में सो गया था और सुगु नहीं सोई थी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।